हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं अपनी फ्रेंड के लिए रूम देखने जा रहे थे, और अगर हमको आज रूम मिल गया तो उसके बाद हम चंडीगढ़ से घर जाएंगे। यहाँ कहीं ब्रह्म कुमारी आश्रम है और उसके पास ही हमको रूम मिलेगा इस लड़की के लिए। आई होप आज हमें रूम मिल जाए, बिकॉज कल हम दोनों को घर जाना है। और अगर आज रूम मिल गया तो आज हम चंडीगढ़ जाएंगे और बढ़िया कल घर पहुंचेंगे। अब मैं अंकल को कॉल कर देती हूँ, भैया को कॉल कर देती हूँ। लॉन्ग डे, अब हम मैगी खाने जा रहे हैं प्लस चाय अपनी बढ़िया। और इसके बाद हम दोनों चंडीगढ़ पहुंच चुके थे, और आज रात की बस से हमको घर जाना था। तो मेरी फ्रेंड बुक कर रही थी बस रात के लिए, और अभी हमको बहुत भूख लग रही थी तो हम स्ट्रेट कहीं खाने के लिए गए। घर पहुंचते ही अपने भाई की परफॉर्मेंस के बाद हम निकल गए कुछ खाने के लिए। ये मेरी नानी और मेरे भैया वगैरह, देखिए लाहौल का सेब नवंबर के मौसम में। ये मेरी मम्मी, नानी, दादी तंदूर सेक रहे हैं, हम बढ़िया सेब काटे हैं। ये है मेरी इन दादी के लिए, क्योंकि इनके एक भी दांत नहीं है, और बाकी सारे हमारे लिए। आप दो लो। जी नानी को दे पहले। हाँ जी, बताओ रिएक्शन, बताओ कैसा है लॉल का सेब। स्वादी को मैं बहुत टेस्टी है, जूसी, बहुत टेस्टी है। सच्ची में बहुत मीठा है, बहुत यम्मी है। और इसके साइड में जो आपको ये मिर्च दिख रही है, ये नेपाल की मिर्च है, और जितनी छोटी ये है उतनी तीखी ये है। मतलब इंडियन वन ऑफ स्पाइसी मिर्च है ये, और बहुत ही मिर्ची होती है ये। मतलब जितना छोटा इसका साइज उतनी मिर्ची है। आपा कैसा लगा? मीठा है, टेस्टी है, और ये इतना फ्रेश हमको नवंबर के मंथ में मिल रहा है। मुझको पर्सनली ये करारी रोटी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी लगती है, पर मुझे, मैं जब भी घर आती हूँ मैं पक्का ऐसे करती हूँ, एक आँख में ना करारी कर देती हूँ रोटी, क्रंची क्रंची बहुत यम्मी लगती है। क्या है ये ऐसा? ट्राई करो, एक बाइट लो। नहीं चाहिए, एक बाइट लो। बेकार की, हेल्दी खाना खाया कर। भूखी तुझे तो नहीं चाहिए?
तू तो है ना मेरा हेल्थ कॉन्शियस। देख बैठ ले। यम्मी नो और जी मन नहीं चाहूंगा कौन दे दी ग्रेस ग्रेस ले क्या नहीं लग अच्छा। तो खाने में बना है टिमो, इसको टिमो बोलते हैं, और आलू की सब्जी, और यहाँ पे देखिए घी है बढ़िया। तो सारे लोग चले गए हैं, मेरे घर में गेस्ट आए थे तो सबको खाना खिला दिया है। अब मैं खा रही हूँ लास्ट में, तो मैं खा रही हूँ घी, राजमा, दही, अचार, सलाद और चावल। बढ़िया, मुझे ना तभी लास्ट में खाना बहुत टेस्टी लगता है। खा रही हूँ, इतना ज़्यादा खा लिया है कि अब नींद आ रही है। ये देखो मीठा करेला, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ओह यहाँ पे तो घीरा बोले मैं, घिया भी उगा हुआ है, और ये घिया बहुत टेस्टी होता है खाने में, पर काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता घिया। और ये देखो यहाँ पे बढ़िया बीन्स उगाए हुए हैं घर वालों ने। और पिछली बार जब मैं घर आई थी तो यहाँ पे भिंडी उगाई थी, और अभी देखो भिंडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जैसे कि ये देख रहे हो यार। ये भिंडी मेरे को लगता है भिंडी उग के ख़त्म भी हो गई है, और उसके बाद शायद ये भिंडी जैसी तो लग नहीं रही है। ये जिंजर क्या गार्लिक जैसा लग रहा है, या तो ये अनियन है, देखते हैं क्या होता है। और ये देखो क्या, ये दिखाने वाली बात तो नहीं है, पर ठीक है दिखा देती हूँ। तो ये है तीन सेक्शन किए हुए, यहाँ पे रखते हैं जो पूरी तरह हो चुका है, वर्मी कंपोस्ट हो चुका है, यहाँ पे रखेंगे जो ताज़ा गोबर होगा गाय का, और यहाँ पे रखेंगे जो जिसमें वो है अर्थवॉर्म लगे हैं। तो क्या होगा कि सबसे ओल्ड ये है, सबसे ज़्यादा फ्रेश ये होगा, और मिड वाला ये होगा। तो जब भी हम पेड़ों में, जैसे आपको आसपास पेड़ दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये पेड़ों में जब हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये नेचुरल फर्टिलाइज़र होगा, तो हम ये वाला डालेंगे। फिर हम इसको यूज़ करेंगे, तब तक ये सेकंड वाला बन जाएगा, और ये तो फ्रेश है ही। हमारी गाय की डेथ हो गई है तब ये खाली है। क्या कर रहे हो? देख रहे हैं सिंधी देख रहे हैं बारिश के बीच में। ये देखो छोटा सा हमारा तंदूर, बाहर भी है एक और भी है, और बाहर बहुत बारिश हो रही है। और अभी हो गया चाय का टाइम, तो फिर नानी वगैरह ने, नानी और मम्मी ने तो चाय पी ली है, और मैं बची हूँ। बुगी देखो कैसे दिख रहा है, मतलब अंडा ऊपर बुगी की नज़र ऊपर, अंडा नीचे बुगी की नज़र नीचे, और अभी ये दो अंडे खा चुका है, फिर भी अंडा वहाँ बुगी की नज़र, यहाँ अंडा इधर बुगी की नज़र। बुगड़ी खाने दे यार। ओ मेरा बुगी ले, अब इसके बाद नहीं, ठीक है। ऑल राइट गाइज, दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट। ओके बाय, थैंक यू सो मच।